चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। एक तो मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश का दुर्भाग्य, उनको यही नहीं पता ये जवान शहीद नहीं है। मोदी जी से कितनी बार हम गुहार लगा चुके हैं, शहीद का दर्जा दे दो, आज तक शहीद का तो दर्जा नहीं दे पाए। CRPF और BSF नहीं मिलता है। किसी को भी शहीद का दर्जा ही नहीं है। और दूसरी बात, वो मरे हैं, उनकी हत्या है सीधे सीधे तौर पे, उनके परिवारों को पेंशन भी नहीं है। फौज के अंदर FDI 100% तो क्या मैं कहता हूँ, अगर 10% भी होता है तो ये साफ सीधे तौर पे देश की गुलामी की निशानी है। पहले हम हिटलर का नाम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, मुझे तो लगता है वही हिटलर यही है। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। इस बार जहां पूरा चुनाव काफ़ी हद तक ये सरकार कभी राष्ट्रवाद के नाम पर कर रही है, कभी हमारे सैनिकों के नाम पर कर रही है, कभी सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं पर एक निष्कासित जवान तेज बहादुर यादव जी वही उसी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ने वाले थे। इनकी वीडियो शायद पूरे देश को याद होगी, बहुत ही चर्चित वीडियो बनी थी जहां पर उन्होंने बॉर्डर पर खड़े हुए सिपाहियों की स्थिति दिखाई थी, किस तरह का खाना मिल रहा है वहां पर उनको, किस तरह का खाना बल्कि नहीं मिल रहा है। जब इस सरकार की कमी को, इस फेलियर को उन्होंने बाहर निकाला अपनी वीडियो के माध्यम से, निष्कासित भी हुए अपने काम से, और जहाँ उन्होंने ठान ली थी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की, तो अब उनका नामांकन पत्र भी जो है वो भी निष्कासित हो गया। तेज बहादुर जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका चलचित्र अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपने पहली चीज़ तो ये चुनाव आपने क्यों मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए फैसला किया था? देखिए, जब मैं ये चुनाव का मामला उसी वीडियो से ही है, खाने का जो वीडियो दिखाया था उसी से संबंधित, मुझे एक विश्वास था, मुझे क्या पूरे देश को ही विश्वास था। पहले चुनाव में मैंने मोदी जी को ही वोट किया था, मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो हालात हुए पूरे देश ने देखा कि वो जो कहते थे ना खाऊँगा ना खाने दूँगा, लेकिन हुआ असर उसका उल्टा। जो मैंने भ्रष्टाचार दिखाया उसके बदले मुझे बर्खास्त किया गया, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, संसदीय कमेटी भी बनी। संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे इन्हीं के पार्टी के थे, मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने 18 मार्च को संसद पटल पे पेश की, जिन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो जवान ने दिखाया वो 100% सत्य है, और उन्होंने ये भी कहा उस रिपोर्ट में कि जो जवान ने दिखाया वो सिर्फ 5% है, 95% भ्रष्टाचार और इस तरह की तमाम चीज़ें फौज में हैं, लेकिन फिर भी इनके कोई असर ही नहीं, कुछ भी नहीं, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया मेरी बर्खास्तगी को ऐसे। और सरेआम कैमरे के आगे जो आके झूठ बोल रहे कि हमने कुछ अधिकारियों को सजा दी, मैंने कहा भाई एक दो अधिकारी का नाम तो बताओ जिनको सजा दी, मुझे पता है मैं BSF से ही था, किसी को सजा नहीं दिया। फिर जो कुछ घर की हालात कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, इसी दौरान 17 जनवरी को जो मेरे बच्चे का भी देहांत हो गया, उसकी भी कोई जाँच नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं। एक बार पुलिस कहती है कि आपके बच्चे ने सुसाइड किया, मैंने कहा मेरा बच्चा सुसाइड क्यों करा है, फिर कह रहे नहीं इंसिडेंटल फायर हो गया, वो पिस्टल से कोई छेड़खानी कर रहा था उससे गोली चल गई। फिर उसके बाद जब ये पुलवामा हमला होता है उसके ऊपर सारी BJP और जितने भी इनके जो चैनल हैं, मोदी जी के चैनल हैं, उन पर सब पर इस तरह का हवा उड़ाया जाता है। सुबह जब उठ के देखते हैं कि जो एयर स्ट्राइक का और पुलवामा हमले का शहीद चला है, उससे मैं बड़ा आहत हुआ, क्योंकि मैं एक फ़ौज का जवान हूँ, मुझे पता है कि इस तरह का अचानक हमला किसी भी हालत में हो नहीं सकता, ये कोई साजिश है। क्योंकि BJP जो वायदे करके आई थी, फौज के वायदे, एक के बदले 10 सर लाना, तो जहाँ तक है पूरे देश को इनकी सच्चाई पता लग गई थी। राम मंदिर का मेन था, धारा 370, किसी भी चीज़ों में जब ये फेलियर हो गई तो इन्होंने देखा कि हमारा देश जो है वो भावनाओं में बह के वोट देता है, और खासकर फौज के लिए, फौज के लिए हमारा देश बहुत समर्पित रहता है, क्योंकि हम फौज में रहे हैं तो देश जो है आज भी फौजियों का बड़ा सम्मान करता है। तो ये साजिश के तहत जो ये हमला जिस प्रकार हुआ, इन्होंने अपना इसको पूरा वोट बैंक की राजनीति में बदल के और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, तब मुझे लगा कि मैं बनारस से मोदी जी के सामने चुनाव लड़के
और मेरे जितने जो साथी जवान हैं, जो समर्थक हैं, जो फौज से प्रेम करते हैं, जो जवान रिटायर होने के बाद भी, वो सब बनारस की गलियों में जाएंगे और देश को सच बताएंगे कि इन्होंने राजनीतिक के चक्कर में किस प्रकार जवानों को बलि चढ़ा दिया। तेज बहादुर जी, ये बड़ी चीज़ आप कह रहे हैं कि क्यों कहीं ना कहीं आज सरकार जो है और मोदी जी जो है, मोदी जी के तो स्टेटमेंट ये आ गई कि भाई मैं पहली बार जो नौजवान वोट दे रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप वोट दीजिए तो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट दीजिए। तो वो एक तरफ सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही है पुलवामा में जो शहीद हुए सैनिक उनके नाम पर, उसके बाद किए गए तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर। आप कह रहे हैं कि ये साजिश थी और आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में रहे हैं, आप इन चीज़ों की अंदरूनी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। देखिए, एक तो मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश का दुर्भाग्य है, उनको यही नहीं पता ये जवान शहीद नहीं है। मोदी जी से कितनी बार हम गुहार लगा चुके हैं, शहीद का दर्जा दे दो, आज तक शहीद का तो दर्जा नहीं दे पाए। CRPF और BSF नहीं मिलता है किसी को भी, शहीद का दर्जा ही नहीं है। और दूसरी बात, वो मरे हैं, उनकी हत्या है सीधे सीधे तौर पे, उनके परिवारों को पेंशन भी नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। तो उसके नाम पे वोट क्यों देंगे लोग? उनके परिवारों से मिले हो किसी जगह पे कोई बीजेपी के बड़े नेता, क्या मिले उनसे, कोई सांत्वना दी, या उन्होंने ये कोई गारंटी ली कि आगे हमले नहीं होंगे? एक बार भी उन्होंने किसी ने भी ये कहा कि हम जो ये हमारी गलती से हुआ है, हम गारंटी लेते हैं आगे हमले नहीं होंगे? मैंने तो उस टाइम भी कहा था ये कोई नया नहीं है, जैसे जब जब चुनाव आएंगे इस तरह के हमले होते रहेंगे। उसके बाद भी लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर भी आप पर बहुत सवाल, उस पर भी कुछ सवाल। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुआ था, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ। तो आप ये बताइए मुझे, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है? देश आज़ाद हो गए इतने साल, ऐसी ऐसी गुप्त एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हमारी फौज ने की हैं जिसका किसी प्रधानमंत्री को पता तक नहीं। सिर्फ राष्ट्रपति को पता होता है, प्रधानमंत्री को नहीं पता होता है, क्योंकि सेनाएं जो है राष्ट्रपति के अधीन आती है, ना कि प्रधानमंत्री के। वो जो कार्रवाई करने के बाद जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि हमने ये किया है। अगर इस तरह से सारी चीज़ें आप पहले ही ओपन कर देते हो तो बच क्या गया फिर आपके पास में, क्या बचा है? उसका खामियाजा हमने भुगता ना, एक हमारा फाइटर गिरा और एक पायलट, हमारी बदनामी हुई जो पाकिस्तान ने पकड़ लिया उसमें हमारी बदनामी हुई है। जिस और जो एयरफोर्स के बारे में जो कहना चाहता हूँ कि एयरफोर्स ने जिस बहादुरी से जो काम किया, दूसरे देश में जाके बॉम्ब गिरा के और वापस सेफ आना, ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, हर सेना के बस की नहीं इस तरह का काम। तो हमारी सेना तो सक्षम है, लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है कि एयरफोर्स को दिया जाता है टारगेट, तो एयरफोर्स को टारगेट जो दिया गया वो अपने आर्मी से क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलाके के बारे में तो आर्मी जानती है, बखूबी सारा आर्मी जानती है, केंद्र सरकार जो है उनको टारगेट दे रही है। आपने टारगेट क्या दिया उसको भी ओपन कर दो ना आप, हमने ये टारगेट दिया ताकि पता लग जाए, पिक्चर क्लियर हो जाएगी भाई टारगेट क्या दिया था। वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल बता दो। ये मुझे बताइए आप कि ये सरकार, मतलब जब 2014 में चुनाव प्रचार हुआ था तो बहुत बार हमारी आर्मी की बात हुई थी, सैनिकों की बात हुई थी, लेकिन बहुत कुछ देखने को मिला है आपकी वीडियो से, ये देखने को मिला कि मूलभूत सुविधाएं तो छोड़ो, खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा है हमारे कई जवानों को जो बॉर्डर पर है। उसी के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आर्मी के प्रति सवाल का क्या रवैया रहा है, क्योंकि 100% FDI हो गया है डिफेंस में, 100% FDI अगर डिफेंस में हो गया तो क्या देश, आपको लगता है कि क्या ये हमारी आर्मी और देश के लिए एक सही कदम था? नहीं, सबसे खतरनाक कदम है। फौज के अंदर FDI 100% तो क्या मैं कहता हूँ, अगर 10% भी होता है तो ये साफ सीधे तौर पे देश की गुलामी की निशानी है। क्योंकि जब सिविल्स को जब हम सब चीज़ दे ही दिया, दूसरे देशों को हमने सौंप दिया, तो हमारे पास बचा क्या है? डिफेंस तो एक हमारी ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा सीक्रेट रखा जाता है, जिसके मामले डिफेंस के कुछ लोगों को भी नहीं पता होता। जो गिने चुने लोग होते हैं डिफेंस की प्लानिंग, डिफेंस का सारा सिस्टम, इन्होंने तो सारा सब कुछ विदेशों को बेच दिया इन्होंने, तो अब हमारी कहाँ से रहेगी? तो विदेशों की होगी, वो कुछ भी हमें गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे हमारे GPS के जो हालात है और के डिफेंस में जो GPS है, वो पूरा का पूरा इन्होंने हैंड ओवर कर दिया दूसरी कंट्री को। उस जब भी हम लड़ाई लगेंगे, अगर दी वहाँ से वो GPS को बंद कर दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ जो है आज देश को गुलामी की तरफ ले गए हैं, ये तानाशाही तरीके से चलाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये वीरों का देश है, चाहे वो कुछ भी कर लें। आज ये सोचते हों कि एक तेज बहादुर खड़ा, जब मैं जिस दिन आया था एक तेज बहादुर था, आज करोड़ों तेज बहादुर हैं और 125 करोड़ तेज बहादुर भी होंगे, इसकी तानाशाही अभी चलने नहीं देंगे हम। आप कह रहे हैं एक तरफ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ डिफेंस पूरा का पूरा बेच दिया गया है, 100% FDI कर दिया गया है। तो ये सरकार जो बार बार फौजियों के नाम पर, सैनिकों के नाम पर, जवानों के नाम पर पाकिस्तान विरोधी
एक उबाल पैदा करके जो उसी के नाम पर जो वोट मांग रही है, आपको लग रहा है कि क्या आपके जैसे और भी फौजी, आप भी रिटायर्ड सैनिक या आपकी तरह निष्कासित सैनिक भी आपके इस मुहिम में जुड़ेंगे सरकार के खिलाफ? जब मैं फर्स्ट में यहाँ पर जब नामांकन किया 24 तारीख को, हमारे 250 सैनिक बनारस की सड़कों पे थे, और जब 29 तारीख को जब नामांकन दोबारा किया हमने, तो हमारे हजारों सैनिक और आ रहे थे, तो उससे इतने बौखला गए, इन्होंने नामांकन रद्द कराना पड़ा अवैध तरीके से। तो ये जो आपका नामांकन जो रद्द हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, जब हमने 24 तारीख को फॉर्म दिया, तो फॉर्म जब सबमिट किया, तो फॉर्म को चेक करता रिटर्निंग अधिकारी, पूरा चेक करने के बाद उन्होंने यस ओके कहा। हमें जो रिसिप्ट देते हैं बिल्कुल ओके की दी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 29 तारीख को फिर हमने जब फॉर्म दिया, तो उसको भी उन्होंने अच्छे से चेक किया रिटर्न ऑफिसर ने, और चेक करने के बाद हमें कहा कि आपका फॉर्म ओके है, हमें रिसीप्ट है हमारी। अच्छा, पास रिसीप्ट है? हाँ, दोनों रिसीप्ट है हमारे पास। 30 तारीख को जब वो क्या बोलते हैं उसको, दोबारा चेक होता है, रूटीन क्या बोलते हैं उसको, होती है ये, क्योंकि राजनीति में तो मैं था नहीं इतना, तो मेरे को नहीं पता। तो सभी कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, एक एक हॉल में सब बैठे रहते हैं, और एक एक कैंडिडेट रिटर्निंग अधिकारी के सामने जाता है, और रिटर्निंग अधिकारी पूछते हैं किसी को कोई ऑब्जेक्शन। तो जब मेरा नंबर आया, रिटर्निंग अधिकारी ने पूछा किसी को कोई ऑब्जेक्शन, किसी कैंडिडेट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं ओके, आपका फॉर्म कंप्लीट है। जैसे ही मैं चेयर पे उठ के और जाके बैठता हूँ, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं रिटर्निंग अधिकारी। तब तक एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर है, मोटा सा, जानता नहीं, साउथ के थे कहीं, कि वो आए, बोला तेज बहादुर का हो गया? सीधा पूछा उन्होंने, बोला हाँ सर। उन्होंने दिखाया, उन्होंने फॉर्म खोल के नहीं देखा, उन्होंने सीधे कहा ये गलत है, तेज बहादुर चुनाव नहीं लड़ सकता। रिटर्निंग अधिकारी, क्यों? आप मुझे कानून दिखाइए। ऐसा नहीं है कि रिटर्निंग ऑफिसर नहीं अड़े, वो भी अड़ गए, कानून दिखाइए। काफ़ी पेपर्स दिल्ली से लेके आए हुए थे, बीजेपी के तो थे ही, उन्होंने खोल के दिखाया, और आप इनको नोटिस दीजिए। मुझे नोटिस थमा दिया, 19 के तहत, 19 के अंदर दे दिया इन्होंने। हमारे वकील और मैंने उसका जवाब 1 घंटे के अंदर दे दिया, कि आप जो इसमें कह रहे हो 19 में, कि अगर दिया आप भ्रष्टाचार या देशद्रोह के मामले में बर्खास्त हो, तो आप 5 साल तक, 5 साल से पहले चुनाव लड़ते हो, तो चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट लाइए। तो हमने उसका जवाब दिया एफिडेविट के साथ, और जो मैं बर्खास्त था उसके डॉक्यूमेंट लगाए, कि जी हम इस मामले में बर्खास्त नहीं हूँ, मैं जो बर्खास्त हूँ अनडिसिप्लिन केसेज में बर्खास्त हूँ, और ये हमारा एफिडेविट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है ओके, चले गए। फिर वापस रिटर्न बुलाया, फिर उस पर्यवेक्षक को दिखाया गया, फिर बुलाया गया, नहीं, फिर बुला के 6:15 पे एक और नोटिस दे दिया, उसमें 33 का हवाला दिया, उसमें साफ बोला है कि आप चाहे किसी भी मामले में बर्खास्त हो, आपको दिल्ली चुनाव आयोग से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तब बताइए, मुझ जैसा गरीब आदमी 6:15 पे दिल्ली कैसे जाए? सुबह 11 बजे तक का टाइम है, ना तो कोई फ्लाइट की सुविधा है मेरे पास, ना कुछ भी। लेकिन जब हम इस ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं जो अच्छे लोग हैं, वो हमारी सपोर्ट में, हमने कांटेक्ट किया दिल्ली में कुछ वकीलों से, तो नितिन विश्राम थे वकील, उनसे रात को 2 बजे बात हुई। वो बोले वो सुबह 4 बजे चुनाव आयोग पहुंच गए, और साथ में 5-6 वकील और ले गए। उन्होंने वहां से फ़ोन किया कि हमें चुनाव आयोग में कोई घुसने नहीं दे रहा। 9 बजे जब संबित पात्रा और इनका एक धर्मेंद्र प्रधान दोनों चुनाव आयोग पहुँच जाते हैं दिल्ली, तब हमारे वकील को अंदर एंट्री होने देते हैं, और 10:45 तक इन्होंने वहाँ सब कुछ रोक के रखा कि तेज बहादुर का क्लियरेंस के 11 बजे तक दे ना दे चुनाव आयोग। ये पूरी प्रक्रिया वहाँ से हमारे वकील अपडेट कर रहे हैं बार बार। हम 10:45 रिटर्न नीति के पास पहुँच गए, हमने कहा जी हमारा रैप वहाँ गया हुआ है, और लिखित में हमने दिया कि हमने फैक्स किया है, हमने मेल किया है, आप चुनाव आयोग से बात कीजिए। रिटर्न अधिकारी ने यहाँ चुनाव आयोग को हमारे सामने ही फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा यस इनका आदमी यहाँ आया हुआ है और प्रोसेस चल रहा है, हम आपको जल्दी इसके बारे में दे देंगे। उसके बाद हमें बाहर भेज दिया जाता है, और 3:30 तो बीच में फिर बुला रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा, बैठा के रख रहे हैं कभी ये क्या होगा क्या नहीं होगा। 3:30 नोटिस दे के कहते हैं कि आपने जब फॉर्म भरा उस टाइम आपने सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट आ गया था, वो इनके पास कोई बहाना नहीं था। इनकी मनसा थी साफ तौर पर कि हमने आपका नामांकन रद्द करना है, चाहे आप कुछ भी कर लो,
आप कह रहे हैं कि कुछ भी करके नामांकन रद्द करने की इनकी मंशा थी, इनकी मंशा इनके क्लियर था, लेकिन हमने तो रद्द करना है, चाहे आप कुछ भी ले। चलिए, अब आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर अब आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन गठबंधन ने एक वक्त के लिए अपना समर्थन आपको घोषणा कर दी थी कि आपको समर्थन देंगे। नहीं, उनके सिंबल पे ही भरा था आपके उनके ही सिंबल पर भरा था। अब आपके क्या इरादा है, क्योंकि इस चुनाव में आप क्या शांत रहने वाले हैं या फिर आप इनके खिलाफ? मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ बहन शालिनी यादव समाजवादी पार्टी महागठबंधन से लड़ रही है, मैं उनके लिए कैंपेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा, और पूर्वांचल में जितने भी जगह बची हुई है सब जगह जाके मैं कैंपेन गठबंधन के लिए, हाँ गठबंधन के लिए, क्या अगले दो फेजेस के लिए आप करें? हाँ, पूरा का पूरा कैंपेन कर रहा हूँ मैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे साथ जो धोखा किया है अब शायद मोदी जी को पूर्वांचल से कोई सीट मिलने वाली है। अब आप मेरे को ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा, मोदी जी की छवि ऐसी बनाई गई है कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त इस धरती पर आज तक कदम नहीं लिया है। आप सेना के एक जवान रहे हैं, बीएसएफ के एक जवान रहे हैं, जवानों के नाम पर तो उन्होंने बहुत वोट बटोरे हैं, अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त उन्होंने घोषित कर दिया है, मीडिया के कई चैनलों ने भी इनको राष्ट्रभक्त घोषित कर दिया है। आप ने सही मायने में जो जिन कुर्बानियों की वो बात करते हैं आपने दी हैं, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में? देखिए, शायद इतिहास में पहले हम हिटलर का नाम सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, मुझे तो लगता है वही हिटलर यही है। पुनर्जन्म लेके आया हो या कुछ भी हो, इसलिए हम तो जो देख रहे हैं हिटलर वही है, और इस जैसा झूठा और बेईमान आदमी मैंने आज तक इतिहास में नहीं देखा। आपके बारे में मैंने अभी पढ़ा है, कोई वीडियो भी सर्कुलेट, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे बारे में क्या क्या लेंगे अब देखते जाइए आप, ये मुझे नहाते धोते बेडरूम तक घुसेंगे अभी, ये क्योंकि इनके तो घर बीवी बच्चे हैं नहीं, तो दूसरों के बेडरूम में घुसने की इनकी आदत है बीजेपी वालों की, ये कुछ भी करते रहे लेकिन मेरे मोराल को डाउन नहीं कर सकते। और अगर ये प्रधानमंत्री रहे तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, देश को ये बर्बाद कर देंगे, तबाह कर दे, आधा तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इनको ये मौका हम 19 में देंगे नहीं, हमें कुछ भी करना चाहिए, पूरे देश को एकजुट होके इनको तो हमने हटाना ही हटाना है। हम तो कहते हैं कि जो कहते हैं ना झोला लेके जाऊंगा, तो उनका झोला बांध लो आप पहले से ही। चलिए, फकीर के कंधे पर आप झोला डाल ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए 19 के बाद क्या आप राजनीति से जुड़े रहेंगे? बिल्कुल, ये मेरा मामला जो भ्रष्टाचार का, जब तक देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाए, 19 क्या चाहे कि कोई भी सन आ जाए, रेगुलर मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। तेज बहादुर जी, चलचित्र अभियान के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।